तो गाइस सामने खड़ी है R15M और Duke 200। तो Duke 200 में सिंगल चैनल ABS है और मेरे R15 में डुअल चैनल ABS है। तो अभी मैं आप लोग को दोनों डिफरेंस बताऊंगा। अगर पीछे वाला ब्रेक आप लोग हाई स्पीड में लगा देते हैं तो पीछे लॉक हो जाएगा सिंगल चैनल ABS की वजह से, और डुअल चैनल ABS की वजह से वो एंटी लॉक करेगा, यानी ब्रेक को लॉक होने में वो रोकेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप लोग ने देखा गाइस, ABS की वजह से कट 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 वो ब्रेक काट रहा था, जिसकी वजह से अगर आप लोग इनएक्सपीरियंस राइडर्स हैं, अगर आपने पीछे का ब्रेक लगा दिया तो आपको गिरने के चांसेस वो कम कर देता है। तो वही अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर गाड़ी में ABS नहीं रहेगा तो तब क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ड्यूक में डुअल चैनल ABS यानी पीछे वाले ABS होने की ना होने की वजह से टायर पीछे स्केट कर गया, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप गिर जाएंगे। और मैं कंट्रोल कर लिया। मैं ये वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए कि ABS होने का और ABS ना होने का क्या मेन डिफरेंस था। तो ठीक है, अगर शॉर्ट पसंद आया तो शॉर्ट को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।